हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग आर। माय नेम इज रोमित और आज हम CBSE के कुछ न्यू गाइडलाइंस के बारे में जानेंगे। यदि आप 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। वो कहते हैं ना, आपने युद्ध की कितनी भी तैयारी क्यों ना की हो, लेकिन सामने वाले विपक्ष पार्टी के सैन्य बल, सैन्य क्षमता और उसके युद्ध रणनीतियों के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो युद्ध में आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक इसी प्रकार यदि आपने एग्ज़ाम का पूरा तैयारी क्यों ना कर लिया हो, लेकिन अगर आपको CBSE के इन गाइडलाइंस के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस साल केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एग्ज़ाम कन्फर्म लिए जाएंगे। पिछली बार आपने देखा कोविड के कारण 10th और 12th के एग्ज़ाम नहीं हो पाए, जिसके कारण CBSE को मूल्यांकन करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसको मद्देनज़र रखते हुए CBSE ने एक नया फार्मूला तैयार किया है, जिसको हम 50-50 फार्मूला भी कह सकते हैं। इसके लिए CBSE ने यह तय किया है कि इस बार एग्ज़ाम दो टर्म्स में लिए जाएंगे, टर्म वन और टर्म टू। टर्म वन का जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर दिसंबर के महीने में होगा, जबकि टर्म टू का एग्ज़ाम जो होगा वो मार्च अप्रैल के महीने में होगा। इस एग्ज़ाम में क्या होगा? टर्म वन में ये एग्ज़ाम 90 मिनट का होगा, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चन 50% सिलेबस का लिया जाएगा, यानी आपका जो सिलेबस है उसका 50%। इस एग्ज़ाम को आपको ऑप्शन दिया जाएगा ABCD, उसमें से एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, ये OMR सीट पे होगा। इस एग्ज़ाम को मूल्यांकन यानी इसका चेक जो है आपके स्कूल के टीचर भी कर सकते हैं या फिर CBSE भी इसको मूल्यांकन कर सकती है। OMR सीट क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ। ये आपने हमेशा पेंसिल से आपने निशान ब्लैक ब्लैक करके आपने दिया होगा। इसके लिए क्या होता है, इसमें चेक करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, इसको मशीन में डालते हैं और एक बार में ये पूरा का पूरा स्कैन करके चेक हो जाता है। इसे टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है देखा जाए तो। और ये आपका 50% सिलेबस का होना है, तो इसमें आपको 50% सिलेबस बिल्कुल तैयार कर लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इस साल भी कोरोना के कारण एग्ज़ाम ना हो, ठीक है, जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं वो इस तरीके से विश करते हैं कि एग्ज़ाम ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार तो एग्ज़ाम कन्फर्म होगा, क्योंकि इसके एग्ज़ाम ना होने के कारण बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चों के साथ अन्याय हो जाता है, जो कि सही नहीं है। अच्छा, टर्म वन के एग्ज़ाम और टर्म टू के एग्ज़ाम के बारे में एक बात आपको मैं और बताना चाहूँगा। ये एग्ज़ाम आपके स्कूल में भी हो सकता है या फिर आपका सेंटर भी जा सकता है, डिपेंड करता है। यदि आपके स्कूल में एग्ज़ाम हुआ तो CBSE के द्वारा एक्सटर्नल सेंट्रल सुपरिटेंडेंट को नियुक्त किया जाएगा या फिर ऑब्जर्वर को नियुक्त किया जाएगा। आपके स्कूल के टीचर के साथ साथ ये भी मौजूद होंगे, जिनके निगरानी में ये पूरा एग्ज़ाम को करवाया जाएगा। साथ ही इसके लिए कुछ और नियम तय किए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए यदि कोविड के कारण इस साल स्कूल नहीं खुल पाया नवंबर दिसंबर तक, तो टर्म वन का एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा। और मार्च अप्रैल तक भी अगर आपका स्कूल नहीं खुल पाया तो वो एग्ज़ाम भी आपका ऑनलाइन ही होगा। दोनों का मूल्यांकन 50-50 होगा, दोनों का वेटेज 50-50 होगा और उनको इक्वल करके मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। पहला सिचुएशन तो ये है, चार तरीके निकाले हैं CBSE ने, असेसमेंट के चार तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि दोनों एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे अगर सिचुएशन ख़राब रहा तो। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम ऑफलाइन हो जाता है और सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो फर्स्ट टर्म का वेटेज ज़्यादा होगा, ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि यदि आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है और सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है तो सेकेंड टर्म का वेटेज ज़्यादा होगा, ठीक है। तीसरा ये भी हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम यदि आपका ऑफलाइन हो जाता है और पेंडेमिक की सिचुएशन के कारण सेकेंड टर्म में सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं करवाएगी, यानी CBSE आपके एग्ज़ाम को नहीं लेगी और फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के बिहाव पे ही आपके मार्क्स लगा दिए जाएंगे। इसलिए अगर जो बच्चे फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम को लापरवाही से ले रहे हैं तो उनको इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम को बिल्कुल सीरियस होकर के दीजिए। यदि ये ऑफलाइन होता है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। साथ ही अगर फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाता है और सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम किसी सिचुएशन से ऑनलाइन लिया जा रहा है, अगर मान लीजिए सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता है तो इसमें एक रास्ता ये भी बनाया गया है कि इस एग्ज़ाम को कम करके 90 मिनट का कर दिया जाएगा। तो मैंने आपको फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के बारे में तो बताया, सेकेंड टर्म का भी नहीं बताया कि उसके क्या गाइडलाइन है।
फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम तो आपका पूरा OMR पे होगा, आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जबकि सेकंड टर्म के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो ये एग्ज़ाम क्या होगा, इसके अंदर आपके वन वर्ड क्वेश्चंस भी होंगे, रिटन क्वेश्चन भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद होगा। जैसा कि नॉर्मल एग्ज़ाम होता है वैसा ही होगा, 50% सिलेबस प्लस पुराना वाला जो सिलेबस है वो भी रहेगा, दोनों इंक्लूड करके होगा। आप ऐसा ना सोचें कि सिर्फ 50% सिलेबस ही रहेगा, पूरा का पूरा सिलेबस होगा, बस 50% जो इधर का बचा उसका क्वेश्चन हो सकता है ज़्यादा हो सकते हैं। सेकेंड थिंग ये है इस एग्ज़ाम में कि ये जो एग्ज़ाम है इसके अंदर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, लॉजिकल क्वेश्चन भी होंगे, आपके सिलेबस का पूरा जैसा नॉर्मल एग्ज़ाम होता है ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर पैंडेमिक के कारण सिचुएशन ख़राब हुआ तो इस एग्ज़ाम के टाइम को रिड्यूस कर दिया जाएगा, 3 घंटे के बजाय इसको 90 मिनट भी किया जा सकता है, ये रास्ता भी बनाया गया है, और हो सकता है इसको भी ऑब्जेक्टिव किया जा सकता है अगर सिचुएशन ख़राब रहा तो। ठीक है, तो मैंने आपको चारों तरीके बताए, या तो दोनों एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकते हैं, दोनों ऑनलाइन होते हैं तो दोनों का वेटेज 50-50 होगा, या तो एक एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ, पहला वाला ऑफलाइन हुआ, दूसरा वाला ऑनलाइन हुआ तो पहले वाले का वेटेज ज़्यादा होगा। तीसरा सिचुएशन ये है कि यदि पहला वाला ऑनलाइन होता है, दूसरा वाला ऑफलाइन होता है तो दूसरे वाले का वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी जो ऑफलाइन होगा उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। और तीसरा सिचुएशन ये है कि यदि दोनों एग्ज़ाम ऑफलाइन हुए तो इनका वेटेज बराबर होगा, दोनों ऑनलाइन हुए तो भी बराबर होगा, ऑफलाइन हुए तो भी बराबर होगा, लेकिन अगर एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन वाले का वेटेज ज़्यादा होगा। एक सिचुएशन ये है कि यदि आपका एक एग्ज़ाम ऑफलाइन पहला वाला हो जाता है, सेकेंड वाला एग्ज़ाम नहीं भी हो सकता है, तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी को करके चलें। साथ ही आपको ये बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन पेपर CBSE के द्वारा बनाया जाएगा और ये जो एग्ज़ाम है CBSE के द्वारा ही लिया जाएगा, ताकि किसी भी बच्चे के साथ अन्याय ना हो।